हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत और मित्र चंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट, और बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा जो लेसन है वह है सेक्शन बी के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया। लेकिन सामाजिक प्रक्रिया को समझने से पहले हमें अंतःक्रिया को समझना होगा। सामाजिक प्रक्रिया या प्रक्रिया का मतलब होता है किसी कार्य में निरंतरता, गतिमान, क्रमबद्ध तरीके से, क्रम से की जाने वाली क्रिया ही सामाजिक प्रक्रिया। अर्थात समाज के अंतर्गत कोई भी कार्य नियम पूर्वक निरंतरता से, क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जब किया जाता है तो वो कहलाता है सामाजिक प्रक्रिया। अब सामाजिक प्रक्रिया के लिए हमें अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमें अंतःक्रिया को समझना होगा। अंतःक्रिया का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है अंतःक्रिया के लिए। एक पहली बात यह है कि सजीव सजीव को मध्य की जाने वाली क्रिया ही अंतःक्रिया है। अर्थात एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पहले वाले पर पड़ता है और अर्थ निकलता है, तो वो अंतःक्रिया है। चाहे समाज में संबंध बनाने के लिए, समूह, समुदाय इत्यादि के लिए, मित्रता के लिए हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो हमें अंतःक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। अंतःक्रिया में एक व्यक्ति उत्तेजित होता है और दूसरे व्यक्ति से कहता है, दूसरा व्यक्ति उस उत्तेजना का उत्तर देता है, तो उसे हम अनुक्रिया कहते हैं, अर्थात प्रतिक्रिया। उत्तेजना और प्रतिक्रिया ही दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया का एक प्रारूप है। जब तक हम उत्तेजित नहीं होंगे, दूसरे व्यक्ति से कुछ कहेंगे नहीं, तब तक वो दूसरा व्यक्ति हमसे कुछ नहीं कहेगा। तो अंतःक्रिया में उत्तेजना प्रथम और द्वितीय है प्रतिक्रिया, दोनों का होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति कोई किसी व्यक्ति से कहता है और कहने वाला व्यक्ति सुन करके फिर उसका उत्तर देता है, तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर होती है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जब बार बार दोहराई जाती है तो वह प्रक्रिया बन जाती है। अर्थात अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं अंतःक्रिया का अर्थ। जब दो सजीव व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया जिसका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता हो और अर्थ निकलता है, तो वो कहलाती है अंतःक्रिया। अर्थात अंतःक्रिया के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें पड़ती है संपर्क की, और ये संपर्क दो प्रकार होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक। उसके बाद में हमें पड़ती है भाषा, संचार, कि हमको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, तो संपर्क स्थापित करना होगा, और संपर्क करने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस अंतःक्रिया का अर्थ जब दो सजीव व्यक्तित्व होने वाली क्रिया जिसका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और अर्थ निकलता है, तो वह अंतःक्रिया है। इसके बाद में उसकी परिभाषा, दार्शन गेट्स कहता है कि अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। अर्थात अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है, वो अंतःक्रिया कहलाता है। ग्रीन कहता है कि अंतःक्रिया के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में वार्तालाप करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वहां हमें अंतःक्रिया स्टार्ट होती है। अंतःक्रिया के विषय में ग्रीन कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में संपर्क करते हैं,
प्रभाव डालते हैं तो वहां सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। इसी बात को मेरिल कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में संचार करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए अंतःक्रिया है। लेकिन यहां पर अंतःक्रिया के लिए आवश्यक दशाएं, अंतःक्रिया के लिए आवश्यक तत्व, एक तो है संपर्क। जब तक हम संपर्क नहीं करते तब तक अंतःक्रिया नहीं हो सकती। संपर्क, यह संपर्क प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। सकारात्मक होता है और नकारात्मक। यहां पर संपर्क भी हमारे लिए प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। इसके बाद में दूसरा है भाषा, संचार। अर्थात हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो हम प्रयोग में लेते हैं वो भाषा है। संपर्क से ही नहीं कि जब तक व्यक्ति कुछ बोलता नहीं तब तक अंतःक्रिया भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो आवश्यकता था वो संपर्क करना होगा। संपर्क करने के बाद हमें भाषा का प्रयोग करना होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कहना चाहता है, उसका दूसरा उत्तर क्या देगा। तो ऐसी स्थिति में भाषा का प्रयोग होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं किम्बाल ने, किम्बाल किम्बाल ने अंतःक्रिया को अंतःक्रिया के अनेक प्रकार बताए हैं। किम्बाल ने अंतःक्रिया के प्रकार, एक तो व्यक्ति व्यक्ति के, नंबर वन, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया। दूसरा, व्यक्ति एवं समूह के मध्य अंतःक्रिया। ये डिवाइडेशन किम्बाल का है, मध्य अंतःक्रिया। अर्थात किम्बाल ने अंतःक्रिया के प्रकारों पर उल्लेख किया है। तो यहां पर व्यक्ति व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया, दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया। दूसरा है व्यक्ति एवं समूह के मध्य अंतःक्रिया, अर्थात एक व्यक्ति और दूसरा समूह के मध्य अंतःक्रिया। और तीसरा है समूह एवं समूह के मध्य अंतःक्रिया। इस प्रकार से किम्बाल ने अंतःक्रिया के तीन प्रकार बताए हैं। किम्बाल ने अंतःक्रिया के तीन प्रकार बताए हैं, एक तो व्यक्ति व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया, अर्थात दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, लेना देना करते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो वो हमारा हो गया व्यक्ति व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया। और इसके बाद में व्यक्ति और समूह के मध्य, अर्थात एक व्यक्ति और दूसरा पक्ष समूह, इन दोनों के मध्य होने वाली क्रिया को अंतःक्रिया। और इसके बाद में तीसरा जो है वो है समूह एवं समूह के मध्य अंतःक्रिया, अर्थात दो समूह के मध्य कोई संचार होता है या फिर कोई आपस में लेन देन होता है या संबंध बनाते हैं, प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो हो गया हमारा समूह समूह के मध्य अंतःक्रिया। बाद में अंतःक्रिया के बाद में अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रक्रिया।
सामाजिक प्रक्रिया द सोशल प्रोग्रेस। इस सोशल प्रोग्रेस के अंतर्गत अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, अर्थात जब किसी अंतःक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वह अंतःक्रिया ही बाद में सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। अर्थात तो सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने से पहले हमें अंतःक्रिया को समझना होगा कि जब कोई समूह या समुदाय या व्यक्ति किसी अंतःक्रिया को बार बार करता है, उस क्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, निरंतरता रहती है, क्रमबद्ध तरीके से होती रहती है, तो वो अंतःक्रिया ही बाद में प्रक्रिया बन जाती है। अगले जो हमारे टॉपिक के अंतर्गत हम बात करते हैं वह है सामाजिक प्रक्रिया, अर्थात अंतःक्रिया को ही बार बार किया जाता है, पुनः दोहराया जाता है, जितनी बार निरंतरता होती है वो हमारी सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है।